में लगे आरओ प्लांट का जीर्णोद्धार होने के बाद आईजी आगरा की ओर से उसका उद्घाटन किया गया। किस तरीके से आप भी देखिए। ये तो तस्वीरें पुलिस लाइन की हैं। यहाँ पुलिस महानिरीक्षक पुलिस लाइन स्थित तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उनके साथ पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार समेत पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी रही थी। आरओ प्लांट का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने सभी को आरओ का पानी पीने के लिए प्रेरित करने का काम किया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन स्थित डंपयार्ड व विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारी कर्मचारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। क्या उद्देश्य था आज के दौरे का? मुख्य उद्देश्य था कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होने वाला है, तो उस जगह पर कार्यक्रम की व्यवस्थापन और जो बंदोबस्त है पुलिस का, उसके बारे में एसपी अधिकारियों के साथ काम करते हैं। इसके अलावा जो पुलिस की जो सामान्य चीज़ें होती हैं, 112 मेरे के अंतर्गत जो गाड़ियाँ चलती हैं, उसका क्या रखना होता है, उसकी टाइमिंग क्या है, ऑफिस क्या स्थिति है, पुलिस लाइन की क्या स्थिति है, माल मुकदमाती जो सभी थानों पर जगह जगह पड़े हुए थे, उनको एक जगह स्थापित करने का योजना विभिन्न साहब द्वारा बनाई गई, तो इन सब चीज़ों को मौके पर भी जाकर देखा गया और एसपी एडिशनल एसपी और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की गई और यहाँ का कार्य जो है वो संतोषजनक है। 5 बिंदुओं पर अभियान माननीय डीजीपी सर के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इन सभी बिंदुओं पर जहाँ कुछ कमियाँ पाई गई उसके बारे में एसपी साहब को अवगत कराए गए, इस पर आपको सुधार करेंगे। बाकी जो यहाँ एसपी और इनकी टीम का जो काम है ओवरऑल जो है ये कार्य मेरा संतोषजनक है, और इसमें जो भी शासन के निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी के और बीजेपी कार्यालय के उसको महिलाओं से संबंधित निरीक्षण किया गया था अपराध की क्या स्थिति है? देखिए, महिलाओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएँ चलाई हैं इस प्रदेश में, उसके अंतर्गत सभी हमारे थाने पर महिलाओं के लिए बीच बनाई गई है और जो थाना है उस जगह पर भी महिला शिकायतकर्ता के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, तो निरीक्षण के क्रम में वो संतोषजनक पाया गया है और जहाँ भी चेक किया गया आकस्मिक निरीक्षण उसमें वहाँ पर जो कार्य था वो। सर, आपके सवाल है, मुख्यमंत्री के ऊपर शिकायतों के लिए देखा गया था शासन द्वारा कि मॉनिटरिंग के दौरान निकल के आए कि मौके पर झूठी शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया, इस तरीके का कोई निरीक्षण के दौरान आप? नहीं, अभी हम लोग जहाँ भी जाते हैं आकस्मिक निरीक्षण में, इस समय आपसे कहा कि सभी जगह ये अनिवार्य कर दिया गया है कि जो भी वादी है, वादी का मोबाइल नंबर उस पर लिखा रहता है, तो वादी से हम लोग पूछते हैं। पुलिस का जो काम है इसमें शिकायत में बहुधा ऐसा हो सकता है कि वादी जिसने शिकायत हम लोगों को दिया है वो हो सकता है किसी केस में एक्यूज हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेटिस्फाई हो ही जाए उससे, लेकिन हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो वादी से जो कंप्लेंट है उससे निश्चित रूप से पूछते हैं कि उनका सेटिस्फेक्शन कैसा है, और इसको अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्येक थाना में एक कॉलम बना हुआ है कि जहाँ भी शिकायतकर्ता आता है उन शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर जो निस्तारण हुआ है उसमें हमारी जो महिला पदाधिकारी जिनको लगाया गया है वो उनसे पूछते हैं कि आप